रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में मौजूद एक कॉन्सर्ट हॉल में शुक्रवार रात गोलीबारी की घटना हुई। इस हमले में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं कम से कम 140 लोग घायल हुए हैं। रूस के सुरक्षा प्रमुख ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया है कि इस हमले के संबंध में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनमें से 4 सीधे तौर पर हमले से जुड़े हैं। रूसी विदेश मंत्री ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया। हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक धड़े ने ली है। बीबीसी ने घटना से जुड़े वीडियो की जांच की, जिससे पता चला कि ये हमला मॉस्को के उत्तर पश्चिमी शहर क्रासनोगोर्स्क में मौजूद क्रॉकस सिटी हॉल रिटेल एंड कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ। यहाँ पिकनिक नाम के एक रूसी रॉक ग्रुप के कार्यक्रम का आयोजन होना था। कॉन्सर्ट शुरू होने से ठीक पहले कैमोफ्लॉज कपड़े पहने 4 बंदूकधारियों ने यहां आए लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के दौरान हॉल में 6,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस दौरान इमारत में आग लग गई और इसकी छत का एक हिस्सा भी गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऐसा लगता है कि हमलावरों ने आग लगाने वाली कोई चीज फेंकी थी, जिससे वहां आग लगी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा कि हमले को लेकर और सुरक्षा एजेंसियों के उठाए कदमों के बारे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार जानकारी दी जा रही है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रीन वॉटसन ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सरकार के पास मॉस्को में एक सुनियोजित आतंकी हमले की सूचना थी, जिसमें कॉन्सर्ट जैसे भारी भीड़ वाली जगहें निशाने पर थीं। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन ने रूसी अथॉरिटीज के साथ सूचना साझा की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए इस हमले में मारे गए लोगों को लेकर दुख जताया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमले के तुरंत बाद यूक्रेनी सरकार ने भी प्रतिक्रिया देने में तेजी दिखाई और हमले में हाथ होने से इनकार किया।